नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सर लकम सब बहुत बढ़िया हो गए। दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है आईफोन के ऊपर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हो जो आप आईफोन ले रहे हो सेकेंड हैंड, वो क्लोन है या ओरिजिनल है या फिर इंडिया का ही है या फिर अदर किसी कंट्री का है, इम्पोर्टेड है, और कितना पुराना है। काफ़ी बारी क्या होता है कि क्योंकि आजकल आपको पता है काफ़ी सारे जैसे फ्रॉड वगैरह चल रहा है, काफ़ी लोग रियल बोल के आपको डुप्लीकेट पकड़ा देते हैं, क्लोन पकड़ा देते हैं, या फिर इंडियन पीस बोल के आपको US का या फिर अदर किसी कंट्री का आपको पकड़ा देते हैं, ठीक है। एंड उस टाइम पे जो पहले किसी ने यूज़ नहीं करा होता तो वो चेक नहीं कर पाता। इसके अलावा अगर ये दो डिटेल्स आपको सही भी बताते हैं तो हैंड टू हैंड आप ये चेक नहीं कर पाते हो कितना पुराना है। वो बोल देते हैं आपको 1 या 2 साल पुराना है, कभी कभार ज़्यादा भी पुराना निकल जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको कवर करूँगा कि कैसे आप पता लगा सकते हो फेक आईफोन और रियल आईफोन में, बाकी इम्पोर्टेड है, इंडिया का है, कहाँ का है, वो कैसे आप पता लगा सकते हो वो भी आपको बताऊँगा इस वीडियो में। एंड कितना पुराना है हैंडसेट, एग्जैक्टली कितना टाइम हो चुका है आपके आईफोन को अभी तक जो आप सेकेंड हैंड ले रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बने रहिएगा इस वीडियो में। बाकी इसके अलावा मैं आपको बता दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने एक अदर वीडियो भी डाली हुई है जिसपे कि आपको सेकेंड हैंड फोन्स, एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप कोई भी लेते हो सेकेंड हैंड स्मार्टफोन, तो आपको किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए सेकेंड हैंड आईफोन लेते वक्त, तो वो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपने न्यू चैनल अनबॉक्सिंग गैजेट में, जिसमें कि आपको गैजेट्स से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहती हैं। बाकी इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आती हैं उस पर जो भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स रहते हैं वो भी मैं उस चैनल पे क्लियर करता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आज कल मैं आपको आईफोन की भी उस पर वीडियो मिल जाएगी कि जब आप आईफोन खरीदोगे सेकंड हैंड तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, जैसे क्लोन जब आप लोगे ना तो क्लोन का एक रहता है कि जैसे 3D टच आता है इसमें, ये देख सकते हो आप, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 3D टच आपको मिल जाएगा, ठीक। किसी भी एप्लीकेशन पर आप करोगे, ये देखो सेटिंग पर जैसे आप करोगे तो इस सारी चीज़ ये 3D टच, सिर्फ इससे ही पता लगा सकते हो आप कि ये आईफोन रियल है या फेक है। ये किसी भी फेक आईफोन में आपको नहीं मिलेगा, या फिर जब आप इसको स्विच ऑफ़ भी करोगे ना तो स्विच ऑफ़ करने के बाद में जब ये ऑन होगा ना तो आपको एप्पल का लोगो दिखाएगा जो रियल आईफोन होगा, बाकी फेक आईफोन में नहीं दिखाएगा। बाकी मैं पूरा एक ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, उस पर जाकर चेक करके आपको बता देता हूँ। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक, यू आर वॉचिंग एक्सप्लोरिंग, लेट्स गेट स्टार्ट। स्क्रीन पर आने के बाद में आपने गूगल को ओपन करना है। गूगल में सर्च करोगे आप चेक कवरेज apple.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब जाके डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करो और डायरेक्टली आप होम पेज पे पहुँच जाओगे इस वेबसाइट के, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपका जो आईफोन है वो फेक है या फिर ओरिजिनल है। वैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी थी 3D टच वाला एंड ऑल, जिससे कि आप वहीं पे पता लगा सकते हो, लेकिन वेबसाइट के थ्रू चेक करना है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो आप एंटर योर सीरियल नंबर, यहाँ पे आप अपने आईफोन का सीरियल नंबर डालोगे जिससे कि वो आपको पता लग जाएगा मतलब कि आपका फेक है या फिर रियल है। अब यहाँ पे मैं अपना सीरियल नंबर डाल देता हूँ, देन नीचे आपने एक कैप्चा कोड आपको मिल जाता है, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ये बता देगा कि आपका फेक है या फिर रियल है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ये देख सकते हो आप आईफोन X यहाँ पे आ गया है, और जो कि मेरा मॉडल है अभी। बाकी अगर फेक होता है आपका आईफोन तो यहाँ पे जब भी आप सीरियल नंबर डालोगे उस आईफोन का तो वहाँ पे वो इनवैलिड सीरियल नंबर बता देगा। तो उस वेबसाइट के थ्रू चेक करना होता है तो आपको आप ऐसे करोगे कि अब मैं चलता हूँ आपको दूसरी वेबसाइट पर लेकर, जहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा जो सेकेंड हैंड आईफोन है वो कितना पुराना है। अब ये है वेबसाइट, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, sndeep.info/en, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप क्लिक करोगे तो इस होम पेज पे पहुँच जाओगे, सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, एप्पल, सैमसंग, HTC, हमने एप्पल का चेक करना है तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे। यहाँ पे क्या है कि IMEI और सीरियल नंबर डाल के दोनों से चेक कर सकते हो, बट IMEI नंबर से कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पे वो शो नहीं करता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, बट यहाँ पे सीरियल नंबर आप डालोगे, मैंने डाल दिया अपना, शो एड्स पे क्लिक करा और ये मेरा सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, मेरा सीरियल नंबर डालते ही इस वेबसाइट पे। एप्पल आईफोन X 64GB सिल्वर शेड, एंड ये देख सकते हो एज जो है वो 2 years and 5 months, तो एग्जैक्ट एज आपको बताया था, एग्जैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आपको नीचे यहाँ पे मिल जाती है। ये देखो ईयर आपको मिल जाता है 2017 ईयर है, 2017 में मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। एंड जो अगर हम बात करते हैं वीक की, एग्जैक्ट वीक की, तो 45th week, 45वां week ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो 45 week हो चुके हैं इस आईफोन को अगर हम बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से। तो इसी तरह से आप दोनों वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो आप फेक आईफोन और रियल आईफोन का डिफरेंस, एंड
आपका फ़ोन कितना पुराना है, एंड अगर वारंटी भी बची होती है आपके फ़ोन की, सेकेंड हैंड फ़ोन की, तो वो भी आपको यहाँ से पता लग जाता है। बाकी आई एम श्योर आपके ये दोनों डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा अगर आप इसी तरह से और वीडियोस चाहते हैं एनी टॉपिक्स पे, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना एंड कमेंट करके मेरे को बताना, ताकि मेरे को पता लग सके इस तरह की वीडियोस भी आपको पसंद आ रही, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। एंड अनबॉक्सिंग गैजेट जो कि न्यू चैनल है, जिसपे कि आपको सेकेंड हैंड फोन से रिलेटेड और गैजेट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलता हूँ एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय।